रुक जा, गेटिंग रेडी फॉर पूना टूर्नामेंट, पुणे के लिए तैयारी चल रही है। फोर, एक तरफ पुणे जाने वाली टीम है और एक तरफ रेस्ट, यानी कि जो लोग खेले हुए हैं, जिनके एग्जाम्स हैं, जो नहीं जा पा रहे वो लोग प्रैक्टिस मैच दे रहे हैं। चला आयुष, फोर, रुक जा, पहुंचा नहीं अभी वो, चल वाइट बॉल। बॉलर खजान, लास्ट बॉल, वाइड बॉल। पुणे की तैयारी, पुणे में अगर खेलना है तो होमवर्क तो करना होगा। वाइड बॉल, ये अच्छी बात है कि प्रैक्टिस मैचेस के लिए मिल जाते हैं हमें टीम्स। कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा, लेकिन दोनों ही सेफ। ओवर, चल अश्विनी, अभी 70s में खेल रहा है। और ये अश्विनी की सेंचुरी, कभी कभी मौका मिलता है प्रैक्टिस मैच, राजन की टीम से प्रैक्टिस मैच चल रहा है और प्रैक्टिस मैच में अश्विनी का ये शतक, स्टिल ऑन क्रीज। गुड शॉट, फोर, छोटी बाउंड्री है लेकिन फिर भी 100 बनाने के लिए क्रीज पे तो टिकना पड़ता है। तो अश्विनी का आज एक माइलस्टोन 100 पूरा हुआ। सो टारगेट है देव रहा, अपने बॉलर को बॉल पकड़ाई और 228 का टारगेट चेज करेगी राजन की टीम 12 ओवर्स में, जिसमें से 3 B1 के, यानी कि टोटली ब्लाइंड। पहली बॉल डालने के लिए आए हैं के, प्रैक्टिस मैच, बैटर राइट आर्म और द स्टंप्स। पहली बॉल, नॉट आउट, बड़े स्कोर का पीछा करते हुए कप्तान जा चुके हैं पवेलियन, राजन आउट। सागर ने आकर झटका दिया, वाइड कराते कराते इतना बोर किया कि उसके बाद विकेट ही ले गए सीधे। अश्विनी ने कैच पकड़ा स्टंप्स के पीछे। आयुष अगले बल्लेबाज, और ये इनरेज लेके गई थी, लग सकता था स्टंप पे लेकिन बचे, किस्मत ने साथ दिया। हितेन ने अपना पेस दिखाया और आजमाया, पहली बॉल पे चलता किया B1 को। हिमांशु आउट होकर बाहर जा रहे हैं, दूसरा झटका लगा है। कप्तान ने भरोसा दिखाया हितेन पर, बॉलिंग के लिए लेके आए और पहली ही बॉल पे सफलता दिलाई। कप्तान का भरोसा, हितेन पर विकेट, आउट होकर जा रहे हैं हिमांशु, हितेन, और एक झटका हितेन ने दूसरी बॉल पे दिलाया और एक विकेट, और अब है हैट्रिक पर। दो बॉल, दो विकेट, पहला ओवर लेकर आए थे। देखना है कि बल्लेबाजी का जिम्मा किन को दिया है राजन ने। और B3 सुप्रतिम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, साथ में है आयुष सोनी। तीसरी बॉल लेकर हितेन,
तीसरी बॉल लेकर हितेन। हैट्रिक बॉल है और ये बचे बाय फोर। पेस काफी अच्छा, आज लाइन इन लेंथ बहुत अच्छी दिखा रहे हैं हितेन। बिल्कुल स्टंप के बगल से निकली बॉल, फिलहाल तो हैट्रिक नहीं मिलेगा, अगली बॉल के लिए जरूर तैयार होंगे। काफी अच्छी लाइन इन लेंथ दिखा रहे हैं आज हितेन और ये कप्तान से बधाई लेते हैं हितेन। विकेट दिलाया, आउट होकर जा रहे हैं सुप्रतिम और अभी भी एक बॉल बची है। अब देखना है कि इस बॉल में क्या करते हैं। पांच बॉलों में तीन विकेट दिला चुके हैं अपने कप्तान को, जिस तरह से भरोसा दिखाया था कप्तान ने, देवराज ने, देवराज उनके कप्तान। लास्ट बॉल, अंतिम बॉल है, अब देखना है कि किस तरह से इस अंतिम बॉल को करते हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में खजान, अंतिम गेंद ओवर की हितेन की, तीन सफलताएं दिला चुके हैं। ये थर्ड मैन और पॉइंट थोड़ा सही से रहना, ठीक है। और ये मौका था, ओवर। ओके, कप्तान देवराज खुद आए हैं, B1 कैटेगरी के खिलाड़ी, बॉलिंग के लिए सामना करेंगे आयुष। सीधी गेंद, बिल्कुल लेग साइड खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद हितेन, बहुत तेज लपके बॉल के ऊपर, गेंद के ऊपर बहुत तेज लपके। अगली गेंद लेकर देवराज, चल ये ये ये, बहुत अच्छी समझदारी, ओवर थ्रो था लेकिन पीछे अरब थे, लेकर नहीं आए। आयुष को मायूस होना पड़ेगा, आयुष सोनी मायूस होकर बाहर जा रहे हैं, रन आउट हुए, रन की दरकार नहीं थी यहाँ पर। आयुष मायूस हुए, आयुष सोनी मायूस होकर जा रहे हैं बाहर, रन आउट हुए। काफी अच्छी, अरब ने बैकअप किया और बॉल लेकर लब के स्टंप के ऊपर अरब, और ये रन आउट और एक झटका। अगले बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बैटर अंकित, B1 to B1। चल द रियल क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड, B1 to B1, MSVH NIPBD देहरादून का ये मैदान। चल भाई चल, अश्विनी विकेट, बॉलर ओवर था ना, बॉलर ओवर था। देवराज अगली बॉल, B1 to B1, और ये कैच उठाता लेकिन के आज फिर कबूतर पकड़ने निकले थे, मानो कि कबूतर पकड़ रहे हो हवा में। चल अच्छा मौका था कैच का, लेकिन के ने फिर कबूतर पकड़े। अगली गेंद लेग स्टंप से बहुत बाहर, अच्छी विकेट और चौथा आउट। आउट और चौथा विकेट, आज क्या खोलेंगे पंजा हितेन, देखना होगा। आज हितेन बिल्कुल आग उगल रहे हैं, चार विकेट ले चुके हैं, क्या खोलेंगे पंजा। उनकी टीम की डिमांड है कि खोलो पंजा, देखना होगा किस तरह से, मांग तो पूरी है कि खोलो पंजा। अगले बल्लेबाज कार्तिकेयन, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, अभी भी मौका है, देवराज ने पूरा भरोसा जताया है। चार विकेट ले चुके हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना हितेन। अगली गेंद नो बॉल, थोड़ा सा द्रविंदर और एक झटका, रन आउट होकर बाहर गए। अगली गेंद नो डाउट मिसिंग लेग, हितेन अंतिम गेंद करेंगे। आज एक विकेट की और दरकार है अगर पंजा खोलते हैं तो। तेज गति की गेंद लेकिन मिस हुआ और ये ओवर की समाप्ति, और ये और एक झटका, LBW आउट होकर जा रहे हैं। खजान सुंदर ने विकेट दिलाया, ये टीम बड़ी खुश नजर आ रही है आज। और ये और एक झटका,
सुंदर को और एक विकेट मिला। अब देखते हैं कि पंजा खोलने के लिए लाते हैं या फिर किसको बॉलिंग पे लगाते हैं। हितेन जहां एक और दो ओवर कर चुके हैं और पंजा मिल सकता है उनको आज। कप्तान को देखते हैं कि किसको बॉलिंग पे लेके आते हैं। और कप्तान ने हितेन से और ये अरब को और एक सफलता मिली। अरब ने विकेट दिलाया। कितना रन बनाया टोटल? 100। और कितने का टारगेट था? 228 है ना। 228 में कार्तिकेयन का अंदर आ रहा है, नो बॉल पर रन आउट हो। और वो उसका कॉल अच्छा था, मनीष बहुत बढ़िया खेला, बहुत सेंसिबल क्रिकेट बोलूंगा मुझे। भले उसने तीन चार बॉल खेला और बहुत जो उसको मारने वाला बॉल आया था उसने मारा है, जहां उसका कॉल था बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। कॉल के लिए मना किया था उसने उस टाइम में जब वो आउट हुआ। यही चीज आप कैसे करके खेलते हो, किस तरह से लेके जाते हो और बॉलिंग में तुमने इसको क्यों ले? सुंदर और अश्विनी, जब इस तरह के मैचेस में आप लोग ओपन करने के लिए आते हो पूरा खुल के खेलो, छोटी बाउंड्रीज हैं, अपने शॉट्स खेलो पूरी। जब तक आप अपने शॉट्स नहीं खेलोगे तो मुश्किल है। टाइमिंग के हिसाब से राजन ने बहुत अच्छा लगाया, बहुत सब पूरा प्रॉपर चला, बहुत जल्दी ओवर ख़त्म कर दिया था, अच्छा चला। लेकिन जब भी कर रहे हो तो अच्छे से पूरा खेलना है। अश्विनी एक दो कैच हो सकते थे, यही प्रैक्टिस में ही करना है। जैसे वो के आया था तेरे पीछे से स्लाइड करता हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रोका था, बॉल भी तेज थी, है ना। अरब क्या है, जब भी इस तरह के मैचेस खेलते हैं बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। तू खेल सकता है, तुझे लेके आया, तू आगे देख रहा है कि सारे विकेट गिर चुके हैं, तो तुझे तो स्टे करना, तू बाहर घूम रहा है वहाँ स्टाइल में ऐसे करके, वो तो मारेगा ही। और कीपर अश्विनी खेला हुआ है लड़का है ना, तुम ये मत देखना कौन सी क्लास में क्या है, वो नहीं देखना हमको, ये तो गेम देखना है ना। अच्छे टूर्नामेंट्स खेल रहा है वो, ठीक है, नागेश ट्रॉफी खेला हुआ है, बढ़िया मैचेस खेले हुए हैं उसने, और उसमें कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो सेंसिबल होगा ही होगा। ये चीज़ यही चीज़ें देखनी है। बाकी कल एक बार बोल भी रहा था कितना, 8 का या 2 रन का ऐसा कुछ चल रहा था ना। मैंने बोला था 8 पीछे चलना। हाँ बस, तो 8 पीछे से कहाँ पहुँच गए थे तुम, वो भी 14 ने पूरे ने कर लिया बैटिंग, है ना। तो वो चीज़ है, खेलो ढंग से करके खेलो, सबको मौका, रोटेशन करो, जो चीज़ नहीं हो रहा है एक दूसरे को पूछो, इनसे ये इसमें खेले हुए लोग हैं, सीनियर्स हैं, पूछो। तुम ये मत देखो कौन सी क्लास में है क्या है, वो थोड़ी देखना होता है। ये ग्राउंड है जहाँ पर जिसने ज़्यादा खेला है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हितेन आया, 4 विकेट ले गया, सीधी बॉल डाल रहा था, मिस कर रहे थे, है ना। तो वो चीज़ है कि आप जो एक्सपीरियंस है उसका। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको हर तरह के लोग मिल जाते हैं, चाहे फुटबॉल में हो चाहे क्रिकेट में हो। फुटबॉल में हमारे पास खेले हुए लोग हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। क्रिकेट में हमारे पास हैं जो लोग अच्छे लेवल पर नागेश ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं हम लोग। जिसको ऐसे भी तो लोग फ्रेंडशिप करते हैं, उसमें ये कोई वो थोड़ी है नहीं बताएगा या वो नहीं। और जिसको पूछ रहा हूँ प्यार से बताऊँ, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसको वो करें।